Okay, so hello everyone. In this video, basically we are going to discuss how to decide number of clusters in k-means. So just as a recap, we can just go and see what is k-means is. So it is basically unsupervised learning, and in unsupervised learning there are many algorithms. Like one of the clustering algorithm is the k-means. So yeah, so what is basically unsupervised is where we don't have y variable. So जो भी आपका डेटा सेट है उसमें अगर आपका वाई वेरिएबल नहीं है तो आउटपुट वेरिएबल नहीं या तो डिपेंडेंट वेरिएबल नहीं, ऐसे ये सारे नाम है वाई के लिए. सो अगर आपका वाई वेरिएबल है ही नहीं आपके डेटा सेट में, सो इन दैट केस यू मस्ट गो फॉर के मीन्स क्लस्टरिंग और अनसुपरवाइज लर्निंग इन दैट केस. ओके, सो एक ध्यान में रखो, सुपरवाइज मतलब जिसमें वाई वेरिएबल होता है एंड अनसुपरवाइज मतलब जिसमें वाई वेरिएबल नहीं होता. ठीक है, सो इसके बाद में वी जस्ट गो एंड डिस्कस व्हाट इज मीन बाय लेबल डेटा अनलेबल डेटा. सो जिसमें वाई वेरिएबल नहीं ही है उसको अनलेबल डेटा बोलते हैं एंड जिसमें वाई वेरिएबल है उसको लेबल डेटा बोलते हैं. वाई को लेबल बोलते हैं, वाई मीन्स लेबल. ये जो वाई होता है ना, जीरो या तो वन हम इसको बोलते हैं वैल्यू, व्हाट एवर दैट इज. सो ये जो वैल्यूज होते हैं ना इसको हम बोलते हैं लेबल. सो जीरो या तो वन वैल्यू हो गई यहाँ पे, सो दैट इज कॉल्ड एज अ लेबल. That is called as a label. Okay, so yes, this is about your label data, unlabeled data, and basically whatever the data we are having, that is unlabeled data we are having, and only x columns we are going to have into our data set. So that is what called as a unlabeled data. And if you are having unlabeled data, we must go for k-means clustering in that case. Now here you can just see that. This two columns we have considered in our data set, that is age and estimated salary. Age and estimated salary. Now in age and estimated salary, there is no any y variable we are having. So only age and estimated salary, only two columns we have selected, and basically in that mall customers data set we don't have y variable basically. So on the basis of only these two variables we are going to consider. On the basis of only these two variables, we are going to consider the clustering concept. Okay, so ये जो दो variable उसके basis पे आप clustering करोगे, and basically cluster means the groups. Okay, so ये जो भी आपके सारे customers हैं, उनको groups में हम divide करेंगे, and ये जो groups हैं, ये some properties पे divide होते हैं. कौन से properties पे? Age के basis पे and salary के basis पे इनका grouping हो जाता है. So ये कैसे होता है वो हमने implementation में देखा last lecture में. So this is how your k-means is going to work. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, initially हमने randomly initialize किए थे जो भी cluster C1 and C2. तो ये जो था ये randomly initialize किए थे हमने यहाँ पे cluster centers. तो ये मूव होते होते बाद में ऐसे हो जाता है कि जैसे एज ए ह्यूमन बींग हमें जैसे लगता है कि दो क्लस्टर बनने चाहिए, उसके हिसाब से ये दो क्लस्टर्स बन जाते हैं. सो ये केमिस एल्गोरिदम बहुत बढ़िया है. यू कैन जस्ट गो थ्रू दिस पर्टिकुलर स्टेप्स. तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स हमें बताना पड़ता है केमिस को. सो यू केमिस कैन नॉट डिसाइड नंबर ऑफ क्लस्टर्स बाय इट्स ओन. तो हमें बेसिकली खुद से बताना पड़ता है कितने क्लस्टर्स होने चाहिए. Now, इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप इज नंबर ऑफ क्लस्टर बता दे. उसके बाद में रैंडमली हमें इनिशियलाइज करना है कि क्लस्टर सेंटर्स कहाँ पे होंगे. हर एक क्लस्टर का सेंटर होता है. फॉर एग्जाम्पल ये जो डेटा है इसका क्लस्टर सेंटर अराउंड यहाँ पे हो सकता है. सो दैट इज जस्ट ज्योग्राफिकल और ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ योर ऑल डेटा पॉइंट्स ऑफ ऑल डेटा पॉइंट्स. ठीक है, सो इसको कैलकुलेट करने के लिए वी हैव डिस्कस अबाउट दिस फॉर्मूला. तो दिस इज व्हाट एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ योर क्लस्टर सेंटर एंड दिस इज व्हाट योर वाई कोऑर्डिनेट ऑफ क्लस्टर सेंटर. दिस इज हाउ वी कैलकुलेट. नाउ ये जो रैंडमली इनिशियलाइज जो क्लस्टर सेंटर्स है उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, रिडिस्ट्रीब्यूट द डेटा पॉइंट्स. तो अगर ये रैंडमली इनिशियलाइज डेटा पॉइंट्स है C1 एंड C2, यू कैन जस्ट सी ओवर हियर, उसके हिसाब से हमने इन डेटा पॉइंट्स को डिस्ट्रीब्यूट किया. जो डेटा पॉइंट जिस क्लस्टर सेंटर के पास में है उस क्लस्टर के साथ वो डेटा पॉइंट जाने वाला है. ठीक है, तो ये जो होता है वो ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस हो जाता है. सो जिसका नजदीक हो, जिस क्लस्टर सेंटर के हमारा डेटा पॉइंट नजदीक है, वो डेटा पॉइंट उस क्लस्टर सेंटर के साथ जाएगा एंड बेसिकली दैट इज गोइंग टू बी यूक्लिडियन डिस्टेंस. सो दैट इज व्हाट रूट ऑफ x1 माइनस x2 ब्रैकेट स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 ब्रैकेट स्क्वायर. सो दैट इज व्हाट योर यूक्लिडियन डिस्टेंस इज.
ठीक है। उसके हिसाब से आपके क्लस्टर सेंटर्स फिर से हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप इज रिकैलकुलेट क्लस्टर सेंटर्स। सो रिकैलकुलेट कैसे करेंगे, लाइक दिस। सो रिकैलकुलेट किया, फिर से रिडिस्ट्रीब्यूट डेटा पॉइंट्स, रिकैलकुलेट। कब तक करेंगे, जब तक आपके क्लस्टर सेंटर्स आर नॉट चेंज, मतलब जब तक ये, हम इसको बोल सकते हैं कि ये कॉन्वर्ज हो गए। कॉन्वर्ज हो गए मतलब कितनी भी बार इसके बाद में रन करो आप एल्गोरिथम, आपके क्लस्टर सेंटर्स चेंज नहीं होने वाले। सो दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल क्लस्टर सेंटर्स, दीज आर गोइंग टू बी योर फाइनल क्लस्टर सेंटर्स। तो वहां पे हम रुक जाएंगे एंड जो भी डेटा पॉइंट है इस क्लस्टर सेंटर के पास में, दैट इज गोइंग टू बी दिस क्लस्टर, एंड जो भी डेटा पॉइंट इस क्लस्टर सेंटर के नजदीक है, दैट इज गोइंग टू बी दिस क्लस्टर। And this is how your clustering is going to happen. So, ye humne discuss kiya tha last lecture mein, and now we are going to discuss about very important topic, that is how to decide number of clusters. जो भी आपका data है उसमें कितने clusters होने चाहिए, sorry, कितने clusters होने चाहिए, how do we decide? तो ये डिसाइड करने के लिए देर आर सम मैथमेटिकल स्टेप्स वी हैव टू फॉलो, सो सम मैथमेटिक्स वी हैव टू डिस्कस फॉर दैट। तो ये जो है ये मैथमेटिक्स हम पहले डिस्कस करते हैं एंड देन आफ्टर दैट, सो हाउ टू डिसाइड नंबर ऑफ क्लस्टर्स इन के मींस। सो इसके लिए जो मैथ्स है दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, ठीक है। तो ये जो इसके पीछे जो मैथमेटिक्स है, दैट मैथमेटिक्स इज कॉल्ड एज योर within cluster sum of squares. So that is within cluster sum of squares. So this is one term, square, sum of squares. So this is one term that is in short called as a WCSS, within cluster sum of squares. So this is one term that we are going to discuss to understand this particular concept. Okay, so पहले WCSS क्या होता है वो discuss करेंगे, उसके बाद में decide करेंगे कि optimum number of clusters कैसे decide करें, ठीक है। तो ये जो WCSS value होते हैं उसको पहले मैं आपको explain करता हूँ, what is WCSS or within cluster sum of squares. So let me consider this is one cluster we are having. So ये cluster हमारे पास and ये जो cluster है इसका center point यहाँ पे है। So can I say that ये जो center होता है cluster center, ये आपका डेटा पॉइंट नहीं होता है। लेट मी जस्ट टेल यू ओवर हियर, हमने ये जो है ना ये रैंडमली इनिशियलाइज किया था ना, उसके बाद में ये कैलकुलेटेड पॉइंट होता है। ये जो क्लस्टर सेंटर होता है ना ये कैलकुलेटेड होता है, इट इज नॉट योर डेटा पॉइंट। ओके, सो ये ध्यान में रखना हमेशा। तो ये जो क्लस्टर सेंटर है, सो दिस रेड पॉइंट इज योर क्लस्टर सेंटर एंड लेट मी जस्ट टेक सम ब्लू पॉइंट्स ओवर हियर, दीज आर योर डेटा पॉइंट्स, लेट्स से दीज आर योर डेटा पॉइंट्स। ओके, नाउ लेट्स, दिस इज वन क्लस्टर एंड इसका हम एक निकालेंगे, ओके। सो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर क्लस्टर इज, नाउ हर एक क्लस्टर के लिए आपका एक WCSS वैल्यू होता है, हर एक क्लस्टर के लिए WCSS वैल्यू होता है। सो जस्ट फॉरगेट दैट दिस इज वन काइंड ऑफ क्लस्टर, लेट्स कंसीडर दिस इज एज योर वन वन डायग्राम, दैट इज वन फिजिकल बॉडी वी आर हैविंग। सो दिस इज वन काइंड ऑफ फिजिकल बॉडी वी आर हैविंग एंड वी जस्ट वॉन्ट टू फाइंड आउट इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, लेट्स से मोमेंट ऑफ इनर्शिया। सो इसको मैं मोमेंट भी बोलता हूँ। सो फॉर एग्जाम्पल इसका हमें मोमेंट निकालना है, जिसको फिजिक्स में इंटरेस्ट है उनको पता होगा व्हाट इज मीन बाय मोमेंट इज। तो एक फिजिकल बॉडी, ये जो क्लस्टर है ना इसका मतलब एक फिजिकल बॉडी है एंड ये जो डेटा पॉइंट्स है दैट आर योर लाइक पॉइंट्स और दैट आर लाइक पार्टिकल्स इन टू दिस फिजिकल बॉडी, लेट्स से। सो ये पार्टिकल्स है इन टू फिजिकल बॉडी। नाउ ये जो पार्टिकल्स है, ये जो बॉडी है, ये पार्टिकल्स, ये जो डेटा पॉइंट है इन पार्टिकल्स का बना है। नाउ दिस इज योर ज्योमेट्रिकल मीन ऑफ योर दिस फिजिकल बॉडी। सो ये जो रेड पॉइंट है दैट इज ज्योमेट्रिकल मीन। नाउ व्हाट विल डू, हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी को अराउंड दिस पर्टिकुलर सेंटर वी आर जस्ट गोइंग टू रोटेट। तो दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज अ मोमेंट।
ठीक है, तो इसको अगर हम इस सेंटर से, अगर इसको सेंटर ऑफ व्हाट वी कॉल इट एज मास भी बोलते हैं, सेंटर ऑफ मास, ये जो है था ना आपका क्लस्टर सेंटर, दिस इज इन फिजिक्स इट इज सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, ठीक है। सो अगर हम इस बॉडी को अराउंड सेंटर ऑफ मास अगर रोटेट करें, सो ऑब्वियसली ये कैसे रोटेट होगा, आइदर इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, सो दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ मोमेंट, दैट इज व्हाट वी कॉल इट एज अ मोमेंट। तो इफ दिस इज फिजिकल बॉडी, इफ दिस इज योर फिजिकल बॉडी एंड दिस पॉइंट्स आर योर पार्टिकल्स इन दैट फिजिकल बॉडी, एंड इफ यू रोटेट दिस फिजिकल बॉडी अराउंड दिस सेंटर ऑफ मास, then what is that mi is going to be, moment of inertia is going to be, so that we are going to calculate and that is what WCSS into clustering, so clustering mein WCSS value matlab aapka moment of inertia in physics, so agar is cluster ko maine mi bola to ye mi calculate kaise karta hai, agar aapko pata hai how to calculate moment of inertia of any body, what is exactly it is, what it means, moment kaise nikala jata hai, अगर आपको पता है जस्ट अनम्यूट योर सेल्फ एंड यू कैन जस्ट टेल अस हाउ टू कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्योंकि काफी लोगों को पता नहीं रहेगा, लेकिन जो भी मैकेनिकल वगैरह ये बैकग्राउंड से, तो दोज पीपल कैन टेल अस, या तो फिजिक्स बैकग्राउंड से यू कैन टेल अस व्हाट इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जैक्टली। समेशन ऑफ मास इनटू रेडियस, ओके, दैट मींस दैट इज एम आर स्क्वायर यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके, बट दैट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू योर बॉडी, सो फॉर एग्जांपल दीज पॉइंट्स वी आर हैविंग लेट्स से, ओके, एंड फॉर ओनली सिक्स पॉइंट्स आई एम कंसिडरिंग, सो ऐसे नहीं होता कि सिक्स पार्टिकल का या तो सिक्स पॉइंट्स का आपका डेटा सेट रहता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन जस्ट कंसिडर ये जो पर्टिकुलर फिजिकल बॉडी इसमें सिक्स पॉइंट्स। नाउ व्हाट वी डू कैलकुलेट इन टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज हर एक पार्टिकल की वजह से, ये जो पार्टिकल मतलब दैट इज जस्ट मास, सम मास वी आर हैविंग, सो बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल, बिकॉज ऑफ दिस पार्टिकल आपको कितना टॉर्क मिला या तो मोमेंट मिला वी कैन से, तो इस पॉइंट की वजह से कितना मोमेंट वाला दैट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, सो लेट्स कंसीडर दैट इज एम वन, इस पॉइंट की वजह से कितना मोमेंट मिला दैट इज गोइंग टू बी एम टू, इस पॉइंट की वजह से कितना मोमेंट मिला दैट इज गोइंग टू बी एम थ्री, इसके वजह से कितना मिला दैट इज गोइंग टू बी एम फोर, इसके लिए फॉर एग्जाम्पल एम फाइव, एंड इसके लिए इट इज गोइंग टू बी एम सिक्स, सो अगर टोटल सिक्स ही पॉइंट है तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी एम वन प्लस एम टू प्लस एम थ्री प्लस एम फोर प्लस एम फाइव प्लस एम सिक्स, दैट इज व्हाट इट इज गोइंग टू बी। तो भी ठीक है, ये एम वन कैलकुलेट कैसे करें, सो बेसिकली व्हाट इट मीन्स, सो जो भी यहाँ पे इसने बोला कि दैट इज एम आर स्क्वायर, सो दैट व्हाट दिस एम मीन्स मास ऑफ दिस पर्टिकुलर पार्टिकल, so that is what mass, that is what m is, and r means what, the distance, let's consider this is r1 distance, this is r1 distance, so what is the moment generated by this m1, that is mr square, that is mr square, so inka summation, so exactly what we are going to discuss here, that is I is equal to 1 to n, that means n points let's consider we are having, and that is the summation of m into r square, so m is the mass of that particle and r is the distance of that particular point from your center point or center of mass. तो ऐसे कैलकुलेट करते हम एम आई, दिस इज हाउ डू वी कैलकुलेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो इसके बॉडी बॉडी के हिसाब से फिर से इनके फॉर्मूलाज वगैरह बना दे, बट दिस इज जनरल वन, दिस इज जनरल वन, सो हर एक पॉइंट को हम कंसिडर करके दिस इज हाउ डू कैलकुलेट एम आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला, so that is same for your WCSS value, that is same for your WCSS value,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WCS को बोलते हैं विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वेयर्स। सो बेसिकली यहाँ पे तो हम मास तो ऑब्वियसली नहीं, हमारे ये जो डेटा पॉइंट्स है इनको मास नहीं रहते, सिर्फ हम क्या कंसिडर करेंगे दैट इज ये जो भी डिस्टेंस है R1, R2, R3, सो हर एक डेटा पॉइंट का क्लस्टर सेंटर से जो भी डिस्टेंस होता है, तो हर एक पॉइंट का क्लस्टर सेंटर से जो भी डिस्टेंस होता है उसको हम बोलते हैं आर। तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी यस, ये हम इसको बोलेंगे विद इन क्लस्टर, मतलब सिर्फ एक क्लस्टर के अंदर सम ऑफ स्क्वेयर्स, मतलब क्या समेशन ऑफ आर आई स्क्वेयर। सो वेयर आई इज व्हाट, आई इज इक्वल टू 1 फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम इट इज गोइंग टू बी 6, आई इज इक्वल टू 1 to 6 इट इज समेशन ऑफ आर आई स्क्वेयर एंड आर इज गोइंग टू बी अ डिस्टेंस बिटवीन योर पॉइंट फ्रॉम द सेंटर तो ये है आपका MI या तो WCSS value. So this is how do we calculate WCSS value. Now what I am going to ask you, let's consider we are having two clusters over here. So let's consider this is one cluster we are having whose center point is over here and we are having data points like this. This is your cluster one. So this is your cluster one. Another cluster is like this. So again, this is your center point and your points are like this. So this is your cluster two. And another cluster is that your center is over here and some points are here and some points are here. And this is your cluster three. तो ये तीन क्लस्टर्स है हमारे पास. सो लेट मी जस्ट हाईलाइट, दिस इज वन क्लस्टर, दिस इज अनदर क्लस्टर. तो आपको क्या लगता है ये जो तीनों क्लस्टर्स है इसमें से सबसे ज्यादा MI और मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका होगा? What about others? So यहां पे कैसे लग रहा है हमें कि ये क्लस्टर थ्री में सबसे हाईएस्ट आपका MI होगा, क्योंकि ये जो पॉइंट्स है ना ये काफी दूर है एंड यहाँ पे डिस्टेंस को काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है. क्यों इंपॉर्टेंस है? बिकॉज ये आर स्क्वेयर के प्रोपोर्शन में जो भी आपका MI है ना दैट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वेयर ऑफ द डिस्टेंस. इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर ज्यादा डिस्टेंस दूर है आपके सेंटर पॉइंट से तो आपका जो जो MI होगा या तो WCSS वैल्यू होगा वो बहुत ज्यादा बढ़ेगा बिकॉज स्क्वेयर के प्रोपोर्शन में ये आपके WCSS वैल्यू चेंज होने वाले. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट टेक वन एग्जांपल और वन डेटा सेट एंड इन दिस डेटा सेट लेट मी जस्ट कंसीडर दिस इज आवर डेटा सेट वेयर नंबर ऑफ क्लस्टर्स. सो एन नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज 1 लेट्स से एंड जो भी डेटा सेट है ये ऐसे कुछ तो है. सो मुझे बताओ कि ये जो डेटा आपको दिख रहा है ऑन द स्क्रीन तो इसको एग्जैक्टली नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने बनने चाहिए, आपको क्या लगता है इसके कितने क्लस्टर बनाने चाहिए हमने एज ए ह्यूमन बीइंग? सो एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एन एज ए ह्यूमन बीइंग आपको क्या लग रहा है इस डेटा को देख के कि कितने क्लस्टर्स बनने चाहिए? Yes, that is right. That is 2. So यहाँ पे दिख रहा है सिंपली आपको कि दो क्लस्टर बनने चाहिए. लेकिन अगर मैंने केमिस्ट को बोला कि एक ही क्लस्टर बनाओ, तो अगर केमिस्ट इसको एक ही क्लस्टर बनाता है तो इसका क्लस्टर सेंटर कहाँ पे आएगा? अराउंड यहाँ पे आएगा. ठीक है, सारे एक्स का मेन एंड सारे वाई का मेन. ठीक है, तो इसका मतलब ये क्लस्टर जो है ये ऐसा बन रहा है, ये क्लस्टर जो है ऐसा बन रहा है. ठीक है, नाउ सेम डेटा सेट पे अगर लेट मी जस्ट राइट डाउन दैट डेटा सेट अगेन, तो मैं क्या करता हूँ इस सेम डेटा सेट को यहाँ पे लिखता हूँ
एंड इस डेटा सेट को, फॉर एग्जाम्पल अभी आई विल जस्ट ट्राई टू राइट द सेम डेटा सेट, ओके सो लेट्स कंसीडर इट इज आइडेंटिकल डेटा सेट वी आर हैविंग। अभी इसको मैंने बोला कि नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाओ दो, तो नंबर ऑफ क्लस्टर्स दो बनाएंगे तो एग्जैक्टली ये क्लस्टर कैसे बनेगा, दिस इज गोइंग टू बी वन क्लस्टर, दिस इज गोइंग टू बी अनदर क्लस्टर। तो इसका जो डब्ल्यू सी एस, अभी देखो यहाँ पे ये जो क्लस्टर है इसका क्लस्टर सेंटर यहाँ पे रहेगा अराउंड, इसका जो क्लस्टर सेंटर है ये अराउंड यहाँ पे रहेगा कुछ तो, राइट। अभी ये जो आपका क्लस्टर है, ये जो भी एन इज इक्वल टू वन है, सो एन इज इक्वल टू वन के लिए जो आपका डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू होगा ये सिर्फ इस क्लस्टर की वजह से होगा, सो लेट मी कॉल इट एज इट इज सी वन। सो इसका सिर्फ डब्ल्यू सी एस एस का वैल्यू क्या होगा, डब्ल्यू सी एस एस ऑफ सी वन। फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम जहां पे दो क्लस्टर्स है अलग अलग, तो यहाँ पे एन का वैल्यू टू है, सो अगर एन इज इक्वल टू टू के लिए मुझे डब्ल्यू सी एस एस, फाइनल डब्ल्यू सी एस एस निकालना है, तो इट इज विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ योर फर्स्ट क्लस्टर दैट इज सी वन क्लस्टर प्लस डब्ल्यू सी एस एस ऑफ सी टू दैट इज अनदर क्लस्टर। मतलब इसका डब्ल्यू सी एस एस अलग से निकलेगा एंड इसका डब्ल्यू सी एस एस अलग से निकलेगा एंड दोनों को मिला के फाइनल डब्ल्यू सी एस एस होगा फॉर एन इज इक्वल टू टू। वैसे एन इज इक्वल टू वन के लिए भी आपका डब्ल्यू सी एस निकलेगा, लेकिन यहाँ पे एक ही क्लस्टर है तो एक ही क्लस्टर का डब्ल्यू सी एस एस हम ऐसे कैलकुलेट करेंगे। नाउ अगर मैंने आपको बोला कि जो एन इज इक्वल टू वन के लिए डब्ल्यू सी एस एस निकाला है वो ज्यादा होगा कि एन इज इक्वल टू के लिए जो डब्ल्यू सी एस एस निकाला है वो ज्यादा होगा, क्या लगता है आपको, जो भी एरो किए डब्ल्यू सी एस एस वैल्यूज है, सो टोटल मतलब इसमें एक ही क्लस्टर है लेकिन इसमें दो क्लस्टर्स का टोटल होगा आपका फाइनल डब्ल्यू सी एस एस, तो इसका टोटल डब्ल्यू सी एस एस ज्यादा होगा कि इसका डब्ल्यू सी एस एस ज्यादा होगा। एन इज इक्वल टू वन के लिए डब्ल्यू सी एस एस ज्यादा होगा कि एन इज इक्वल टू टू के लिए डब्ल्यू सी एस एस ज्यादा होगा विद इन क्लस्टर सम ऑफ स्क्वेयर्स, अभी तो वही डिस्कस किया ना हमने यहाँ पे, ये जो पॉइंट है ना, ये वन टू थ्री फोर, इसका डब्ल्यू सी एस, इसका डब्ल्यू सी एस एस मतलब हर एक पॉइंट का, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस लिया जाएगा, हर एक पॉइंट का डिस्टेंस लिया जाएगा एंड उनके स्क्वेयर्स का एडिशन किया जाएगा, दैट्स इट। तो इतने पॉइंट है इतने डिस्टेंस, जो भी मैंने अभी डिस्टेंसेस निकाले तो ये जो भी डिस्टेंस है उनके स्क्वेयर्स का समेशन आएगा यहाँ पे। यहाँ पे कैसे आएगा, इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर प्लस इसका स्क्वेयर, ये इसका डब्ल्यू सी एस एस प्लस इसका स्क्वेयर 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 प्लस इसका स्क्वेयर, सो ये दोनों का डब्ल्यू सी एस मिला के इसका फाइनल डब्ल्यू सी एस। किसका डब्ल्यू सी एस एस ज्यादा होगा, ओके सो लेट मी टेल यू नाउ। अभी यहाँ पे देखो मुझे पता है ये सेंटर है आपका, सेंटर ऑफ मास या तो क्लस्टर सेंटर, इससे सिर्फ एक पॉइंट अभी डिस्कस करो, ठीक है। सो इस ये डेटा पॉइंट हमारे भी डिस्कस करो, लेट मी जस्ट या सो ये डेटा पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। बिकॉज ऑफ दिस डेटा पॉइंट मुझे बताओ जो डिस्टेंस है, बिकॉज ऑफ दिस डेटा पॉइंट आपका जो डब्ल्यू सी एस एस या तो जो भी आपका डब्ल्यू सी एस में कॉन्ट्रीब्यूशन होगा, अगर ये आर है
या तो फॉर एग्जाम्पल ये डी वन है लेट्स से, तो ये जो डिस्टेंस है डी वन है, तो बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट आपका जो डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू है ये कितने से बढ़ने वाला है, डी वन स्क्वेयर से बढ़ने वाला है, राइट। अभी सेम पॉइंट की वजह से इस केस में आपका जो कॉन्ट्रीब्यूशन आएगा डब्ल्यू सी एस एस में, तो ये पॉइंट है सेम, राइट। तो ये पॉइंट मतलब मैंने यहाँ पे ये पॉइंट लिया, अभी इस पॉइंट की वजह से देखो आपका डिस्टेंस कितना ले रहा है, सो लेट्स कंसीडर दिस इज आल्सो डी वन, सो इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा इस पॉइंट की वजह से, ये डी वन स्क्वायर। तो मुझे बताओ आपका पॉइंट सेम है, लेकिन अगर ये अगर मैंने क्लस्टर कंसिडर किया सिंगल क्लस्टर, तो देखो डी वन कितना बड़ा हो रहा है, एंड अगर मैंने ये वाला कंसिडर किया डायग्राम मतलब ये वाला, तो इसमें देखो सिर्फ आपका जो D1 का वैल्यू है ये इससे हाफ ही है ऑलमोस्ट, ऐसे नहीं कि एग्जैक्टली हाफ होना चाहिए लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि ये हाफ ही है। दूसरा एग्जांपल कंसीडर करो, फॉर एग्जांपल ये वाला पॉइंट, नाउ ये नजदीक वाला पॉइंट है, तो देखो सिर्फ इतना ही डिस्टेंस है, तो इतने डिस्टेंस का स्क्वेयर सिर्फ एड होगा इन दिस WCSS ऑफ C1। अभी सेम पॉइंट में यहाँ पे लेता हूँ, सो सेम पॉइंट हमारा यहाँ पे कहाँ पे, तो यहाँ पे, सो ऑलमोस्ट आई थिंक ये जो है ना ये दोनों का डिस्टेंस सेम ही है, तो इतना ज्यादा इस पॉइंट की वजह से जो कॉन्ट्रीब्यूशन आ रहा है आपके डब्ल्यू सी एस में उतना ज्यादा चेंज नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है डिस्टेंस। सो ये क्लस्टर सेंटर से इतना डिफरेंस है, ये क्लस्टर सेंटर से इतना डिफरेंस है। अगर मैंने ये पॉइंट कंसिडर किया बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट, तो देखो कितना डिस्टेंस आ रहा है क्लस्टर सेंटर से, इतना। नाउ सेम पॉइंट में लेता हूँ, सो आई थिंक दैट पॉइंट इज ओवर हियर, तो ये डिस्टेंस इतना है, so I must say that ये जो difference है वो less है। अभी ये point देखो, ये point ने कितना distance लिया है, ये distance, so इसका square add होगा because of this point, लेकिन अभी आप देखो वो point कहाँ पे, यहाँ पे, तो इसका square मतलब सिर्फ इतना ही value add up होगा in this particular WCSS। so अभी आपको क्या लगता है, ये जो first n is equal to 1 के case में WCSS ज्यादा आएगा कि n is equal to 2 के case में ज्यादा WCSS आएगा, क्योंकि नंबर ऑफ पॉइंट तो सेम है, हर एक पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो एड अप होने वाला है इसके WCSS में भी एंड इसके WCSS में भी, सिर्फ यहाँ पे हमारे पास सिर्फ एक ही सेंटर है क्योंकि एक ही क्लस्टर बनाया था, यहाँ पे दो अलग अलग सेंटर्स है, तो ऑब्वियसली जो पॉइंट्स है वो क्लस्टर सेंटर से ज्यादा नजदीक जा रहा है यहाँ पे, तो ऑब्वियसली दिस इज गोइंग टू बी अ लेस वन देन दिस कॉन्सेप्ट देन दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है, गॉट इट। तो ये सेकेंड केस में आपका डब्ल्यू सी एस एस कम आएगा, सो अगर ये किसी को समझ में नहीं आएगा तो प्लीज लेट मी नो, सेकेंड केस में जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू 2 है उस केस में डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू आपका कम आएगा देन नंबर ऑफ क्लस्टर्स इज इक्वल टू 1। अगर इसमें कुछ डाउट है तो यू कैन आस्क मी, गॉट इट। हाँ, मास यूनिक कंसीडर कर रहे हैं, हर एक का यूनिक मास है, मास तो यूनिक है, वो पार्टिकल है, तो यूनिट मास का वो पार्टिकल है, ऐसा कंसीडर करो हर एक को, तो सिर्फ उसके डिस्टेंस स्क्वायर एड अप होंगे मास। यस यस एम नहीं रहेगा बिकॉज वो यूनिट है, तो वो वैसे ही वन ही रहने वाला है। Yes. सिर्फ अभी यहाँ पे कैसे होता है कि ये जो टोटल बॉडी है ना, फिजिकल बॉडी, ये सारे पॉइंट्स को मिला के बना है, तो इसको अगर मैं घुमाऊंगा एंड अगर इस केस में मैंने क्या किया कि ये जो पर्टिकुलर बॉडी उसको मैंने हाफ हाफ पार्टिकल्स में डिवाइड किया, तो इसको अलग से घुमाया, इसको अलग से घुमाया, तो व्हाट इज मोमेंट इज बेसिकली कितनी देर कौन सा ज्यादा घूमेगा। सो बेसिकली जैसे ये होता है ना, तो आपका जो आपके मिट्टी के बर्तन बनाते हैं ना, वो क्या यूज करते हैं, ये काइंड ऑफ डिस्क यूज करते हैं घुमाने के लिए। सो ये डिस्क क्यों, क्योंकि उसका मोमेंट बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, सो इट इज काइंड ऑफ डिस्क, मतलब एक्चुअली वो रिंग होता है अगर आपने प्रॉपरली देखा है तो, क्योंकि रिंग का जो MI होता है ना वो सबसे ज्यादा होता है रिंग का, तो MI ज्यादा मतलब वो ज्यादा देर तक घूमेगा, सो दैट इज व्हाट इट इज, मतलब वो सबसे ज्यादा एनर्जी उसके अंदर रखता है, सेव करके रखता है टेम्पररी, सो दैट इज व्हाट मोमेंट इज। तो ये सबसे ज्यादा देर तक घूमेगा देन दिस टू सेपरेट बॉडीज, फिजिकल बॉडीज, सो अगर इसको भी हम घुमाते हैं, इसको भी हम घुमाते हैं सेपरेटली, तो
सो ऑब्वियसली इसका मोमेंट सबसे ज्यादा है देन दिस टू सेपरेट क्लस्टर्स. नाउ माय क्वेश्चन टू इज दैट अगर आपके पास टोटल एन पॉइंट्स है, इफ यू आर हैविंग टोटल एन पॉइंट्स एंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स भी आपने एन ही बनाए, नंबर ऑफ पॉइंट्स आपके पास एन है एंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स भी एन बनाया आपने, तो उस केस में हर एक पॉइंट खुद का एक क्लस्टर बनाएगा ऐसे कंसिडर करो. फॉर एग्जाम्पल मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास इतने पॉइंट्स है, सो ये पॉइंट सो अगर ये इंडिविजुअल पॉइंट्स है तो हर एक पॉइंट खुद का एक क्लस्टर इंडिविजुअल बनाएगा. सो हर एक क्लस्टर में एक एक ही पॉइंट है, हर एक क्लस्टर में एक एक ही पॉइंट है. तो नाउ टेल मी उस केस में आपका डब्ल्यू सी एस एस कितना आएगा. नंबर ऑफ पॉइंट्स इज इक्वल टू एन एंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स दैट इज एन क्लस्टर्स इज ऑल्सो एन. तो उस केस में आपका जो डब्ल्यू सी so that is n cluster is equal to 1 2 whatever matlab number of cluster badhayenge jayenge and against that I am just going to display wcss value within cluster sum of squares. to is one ke liye agar for example wcss value 10000 hai to can I say that ye jo 2 ke liye ye 10000 se less hi hoga. for example 4000 ye matlab aise hi likh raha hu main kaise ki ye number of cluster 2 ke liye hamesha जो डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू होता है वो कम होता है. एंड अगर मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर्स n रखे पर इंडिविजुअल पॉइंट ये डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू कितना आएगा, जीरो आएगा. सो कैन आई से दैट जैसे मैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स बढ़ाऊंगा वैसे डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू भी कम होने वाला है, मतलब दैट इज यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल. तो अगर नंबर ऑफ क्लस्टर एक ही है तो डब्ल्यू सी एस एस मैक्सिमम होगा, जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर्स हम बढ़ाए जाएंगे आपका डब्ल्यू सी एस एस कम होता जाएगा. So that is what inverse proportion is. So इसका मतलब क्या कि ये जो भी डेटा पॉइंट है अगर इसको सिर्फ मैंने एक क्लस्टर बनाया होता तो ये आपका क्लस्टर ऐसे बनता and this is going to be your cluster center over here. और इसको मैंने दो क्लस्टर्स में डिवाइड किया तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी डिवाइडेड लाइक दिस. तो इसको अगर मैंने दो क्लस्टर्स में डिवाइड किया तो ये एक क्लस्टर बन सकता है, ये एक क्लस्टर बन सकता है. अगर मैंने इसको तीन क्लस्टर्स में अगर डिवाइड किया तो ये तीन क्लस्टर्स में इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस. फॉर एग्जांपल तीन क्लस्टर्स में इट इज गोइंग टू बी लाइक दिस, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर, ये क्लस्टर. कैन आई से दैट जैसे नंबर ऑफ क्लस्टर्स में बढ़ा रहा हो वैसे ये जो पॉइंट है वो ज्यादा नजदीक जाते आते जा रहे हैं. सो जितना ये नजदीक आ रहे उतना उनका डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू लेस लेस होता जाएगा. सो दैट इज व्हाट द रीजन व्हाई योर डब्ल्यू सी एस एस वैल्यूज आर गेटिंग लोअरिंग डाउन. सो यस, जैसे हम नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ाएंगे वैसे डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू कम होते जाएगा. एंड फाइनली अगर नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स अगर इक्वल हो जाते हैं तो आपका डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगा, बिकॉज हर एक इंडिविजुअल पॉइंट इज गोइंग टू बी अ क्लस्टर एंड उसका क्लस्टर सेंटर वही पॉइंट होगा. सो उसी पॉइंट का क्लस्टर सेंटर से जो डिस्टेंस होगा वो ऑब्वियसली जीरो होगा, तो उनका सम होगा जीरो. ओके, सो ये आपको समझ में आना चाहिए. Now what I will do, I will use this WCSS value to decide optimum number of clusters. तो ये जो WCSS value, ये मैं optimum number of clusters decide करने के लिए use करने वाला हूँ. So what I will do, I will just code it now. I will just calculate WCSS values against number of clusters. So इसके लिए मैं जाता हूँ for implementation purpose. So let me just ये just open Jupyter. तो हमारा जो कोड है उस डे का, उसी में मैं क्या करता हूँ नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ाऊंगा वैसे आपका जो
डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू कम होता है कि नहीं होता है वो हम चेक करने वाले हैं। ओके सो लेट मी चेंज डू चेंज इनटू द सेम कोड, लेट मी इंपोर्ट दिस लाइब्रेरीज, इट इज इन एग्जीक्यूशन सो इसलिए आई एम वेटिंग फॉर दिस। सो लेट मी जस्ट इंपोर्ट डेटा सेट। अभी डेटा सेट इंपोर्ट करने के बाद लेट मी फाइंड आउट व्हाट इज एक्स इज, एक्स फाइंड आउट किया एंड जस्ट वी कैन जस्ट प्लॉट इट आउट। आप यहाँ पे देख सकते हैं 5 इज गोइंग टू बी योर ऑप्टिमम आंसर। ठीक है सो इसके लिए मैं के मींस को इंपोर्ट करता हूँ। नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल राइट अ स्क्रिप्ट टू कैलकुलेट डब्ल्यू सी एस एस, टू कैलकुलेट डब्ल्यू सी एस एस यूजिंग के मींस। तो यहाँ पे देखो मैंने के मींस को इंपोर्ट किया, आई हैव इंपोर्टेड के मींस ओवर हियर, तो उसका एक मॉडल बनाया मैंने। सो मॉडल इज इक्वल टू के मींस, वहां पे नंबर ऑफ क्लस्टर्स मैंने 5 रखे एंड इसको मैंने फिट किया। जब मैं इसको फिट करता हूँ तो आपको जो डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू है ये आपको डायरेक्टली मिलता है। कैसे मिलता है, जो मॉडल मैंने वहां पे ऊपर जो मॉडल ट्रेन किया है इसके अंदर डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू आपको डायरेक्टली मिलेगा, उसको हम बोलते हैं इनर्शिया। मॉडल के अंदर एक इनर्शिया नाम का एक वैल्यू होता है, ये आपको डायरेक्टली ये डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू आपको रिटर्न कर रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है किसका वैल्यू है, अगर मैंने मॉडल में नंबर ऑफ क्लस्टर्स कितने रखे 5, तो अगर आपने नंबर ऑफ क्लस्टर्स 5 रखे हैं तो उसका जो डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू दैट इज व्हाट इट्स डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू इज। तो यहाँ पे मैं फिर से बनाता हूँ मॉडल, मॉडल इज इक्वल टू के मींस एंड यहाँ पे मैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स रखता हूँ लेट्स कंसिडर 1 एंड इस मॉडल को अभी मैं फिट करता हूँ ऑन एक्स एक्सिस, फिट ऑन द बेसिस ऑफ एक्स एंड इसको फिट करने के बाद लेट मी जस्ट प्रिंट इट्स इनर्शिया, इनर्शिया मतलब डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू। इनर्शिया ठीक है सो लेट मी जस्ट प्रिंट इट आउट। सो जब नंबर ऑफ क्लस्टर्स 1 रखे थे हमने तो उसका डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू कितना आया है 269,000 अराउंड एंड जब मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर 5 रखे थे तो उसका वैल्यू कितना आया 44,448 समथिंग। ठीक है ओके सो यस, अभी मुझे क्या करना है कि नंबर ऑफ क्लस्टर जैसे मैंने यहाँ पे लिखे हैं कि नंबर ऑफ क्लस्टर 1, 2, 3, 4 टिल 10 तक जाएंगे हम नंबर ऑफ क्लस्टर्स में एंड उसके डब्ल्यू सी एस एस वैल्यूज हम प्रिंट करेंगे एंड लेट्स सी मतलब इनको प्लॉट भी करेंगे उसमें देखेंगे कि हाउ टू फाइंड आउट ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्लस्टर्स। ठीक है सो मैं इसके लिए क्या करता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू राइट दिस एज अ स्क्रिप्ट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ आई विल जस्ट एग्जीक्यूट इट इनटू द फॉर लूप। सो फॉर आई इन रेंज, तो मुझे क्लस्टर नंबर कहाँ से कहाँ तक चाहिए, 1 से लेकर 10 तक, मतलब यहाँ पे 11 लिखना चाहिए। बाय डिफॉल्ट स्टेप कितना होता है 1, सो दैट इज व्हाट इट इज। एंड इसके अंदर व्हाट आई विल डू, ये जो मॉडल है ना यहाँ पे मैं रखूंगा नंबर ऑफ क्लस्टर इज इक्वल टू आई, तो पहले इटरेशन में नंबर ऑफ क्लस्टर आई रहेगा। एंड व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट स्टोर डब्ल्यू सी एस एस वैल्यूज इन टू दिस लिस्ट। तो ये एम्प्टी लिस्ट बनाता हूँ मैं जिस लिस्ट का नाम है डब्ल्यू सी एस एस, दिस इज माई गिवन नेम, यू कैन जस्ट गिव एनी नेम टू दिस लिस्ट। तो इस लिस्ट में आई एम जस्ट गोइंग टू अपेंड दिस मॉडल डॉट इनर्शिया, सो लेट मी जस्ट अपेंड दिस मॉडल डॉट इनर्शिया इन टू डब्ल्यू सी एस एस लिस्ट डॉट अपेंड। तो डब्ल्यू सी एस एस डॉट अपेंड दिस मॉडल डॉट इनर्शिया। ठीक है सो ये कहां से कहां तक, नंबर ऑफ क्लस्टर 1 से 10 तक जाने वाले बिकॉज दिस इज एक्सक्लूसिव वैल्यू एंड इसके बाद में मैं प्रिंट करता हूँ डब्ल्यू सी एस एस, सो लेट मी जस्ट प्रिंट डब्ल्यू सी एस एस। ठीक है सो ये 10 वैल्यूज होने चाहिए 3, 4, 5 एंड 5 + 5 = 10, दैट इज व्हाट एग्जैक्टली इट इज। नाउ एज अ ह्यूमन बीइंग मुझे आप बताओ कि डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू ज्यादा होना अच्छा है कि कम होना अच्छा है, व्हाट यू थिंक, व्हाट यू थिंक, ये ज्यादा अच्छा है कि कम अच्छा है। अगर ये ज्यादा अच्छा है तो हमेशा नंबर ऑफ क्लस्टर 1 ही रहेंगे रखेंगे कंसिडर करेंगे, अगर है कम
चाहिए, अगर डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू कम होना या तो जीरो अच्छा है हमारे लिए, तो उस केस में नंबर ऑफ क्लस्टर हमेशा मैक्सिमम रखेंगे, मतलब नंबर जितने नंबर ऑफ डेटा पॉइंट है उतने नंबर ऑफ क्लस्टर्स बनाओ। तो ये दोनों वैल्यू भी हमारे लिए अच्छे नहीं है। मीन्स वॉट, वी आर एक्सपेक्टिंग डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू जिसमें वो मैक्सिमम भी नहीं होनी चाहिए एंड ये जीरो भी नहीं होने चाहिए। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू सिलेक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर, वी हैव टू सिलेक्ट नंबर ऑफ क्लस्टर क्लस्टर्स की जो ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, मतलब ये बहुत बढ़िया बड़ा नंबर भी नहीं होना चाहिए नंबर ऑफ क्लस्टर्स, एंड ये बहुत छोटा भी नंबर नहीं होना चाहिए, मतलब मिनिमम भी नहीं होना चाहिए। तो ये जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स है ये वन भी नहीं होना चाहिए एंड ये फॉर एग्जाम्पल ऐसे कि हमारे पास 100 हमारे पास फॉर एग्जाम्पल 1000 डेटा पॉइंट्स है, तो ये 1000 भी नहीं होना चाहिए। सो बोथ आर नॉट गुड चॉइसेस फॉर अस नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए। तो हमें बीच में कोई तो वैल्यू चाहिए, दैट इज द बेस्ट वैल्यू फॉर योर डिसाइडिंग नंबर ऑफ क्लस्टर्स। तो वैल्यू कैसे डिसाइड किया जाता है, हम क्या करते हैं, वी जस्ट कैलकुलेट और वी जस्ट प्लॉट दिस डब्ल्यू सी एस एस वैल्यूज अगेंस्ट नंबर ऑफ क्लस्टर्स। सो नंबर ऑफ क्लस्टर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, 6 रखा, 7 रखा, टिल 10 वी आर हैविंग। लेट्स कंसीडर 10 तक मैंने सिर्फ प्रिंट किया। अब इसमें होता कैसे कि जैसे हमारा नंबर ऑफ क्लस्टर 1 है तो वहां पे डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू काफी ज्यादा है, सो दिस इज मैक्सिमम, फॉर एग्जाम्पल 270,000 इट इज, तो ये बहुत ज्यादा है। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर हम ये प्लॉट करते तो हमें ऐसा वैल्यू फाइंड आउट करना है कि जैसे हम क्लस्टर बढ़ाएंगे तो ये जो है ना, ये आपका डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू ये काफी डिक्रीज होता है, बट आफ्टर सम टाइम इट स्टॉप डिक्रीजिंग, इट स्टॉप डिक्रीजिंग, मतलब ये बहुत कम रेशियो में डिक्रीज, ऐसे नहीं कि ये स्टॉप डिक्रीजिंग, लेकिन ये बहुत कम रेशियो में होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे जस्ट फॉलो दिस रेड कलर नाउ, तो जैसे मैं नंबर ऑफ क्लस्टर 1 रखता हूँ, उसके बाद मैं नंबर ऑफ क्लस्टर 2 रखा, तो आप देख सकते हैं कितना डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू कम आ गया सिर्फ एक क्लस्टर बढ़ाने से। बाद में मैंने 2 का 3 नंबर ऑफ क्लस्टर्स किया, तो यहां से मैंने डायरेक्टली जंप किया फॉर एग्जांपल यहाँ पे, सो यहाँ पे भी काफी आपका डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू डिक्रीज हुआ। तो पहले इटरेशन में आपका इतना डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू डिक्रीज हुआ अगर मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर 1 से लेकर 2 किया। तो अगर मैंने नंबर ऑफ क्लस्टर 2 रखे है तो आपका डब्ल्यू सी एस वैल्यू ये है, लेकिन अगर 2 का 3 किया तो आपका जो डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू जो डिक्रीज है दैट इज गोइंग टू बी दिस मच। लेकिन अगर मैंने 3 से 4 गया तो आप देख सकते हैं 3 पे डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू ये है, 4 पे डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू ये है, एंड अगर आपने देखा तो व्हाट इज दैट डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू, सो डिफरेंस इज वेरी लेस, सो ये जो डिफरेंस है बहुत ही कम है। तो इन सच केसेस जब हमें ये से पता लगता है कि जब भी हम नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ाएंगे लेकिन आपका डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू में उतना ज्यादा डिग्रेडेशन नहीं आ रहा है, तो उस केस में वी स्टॉप। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस थ्री पॉइंट मतलब नंबर ऑफ क्लस्टर 3 पे एक ऐसा पॉइंट है, इसके बाद में देर इज नो मच डिक्रीज इन टू डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज एल्बो पॉइंट, this point is called as elbow point. So what is elbow point? The elbow point defines you the situation from which, or the number of clusters from which increasing number of cluster is not going to give you significant change in WCSS value. तो यहाँ पे देखो 3 के बाद में आप देख सकते हैं WCSS value उतना ज्यादा change नहीं हुआ है, इसलिए हम इसको एल्बो पॉइंट कहते हैं। एल्बो इज जस्ट लाइक योर हैंड, वी आर हैविंग दिस इज लाइक योर हैंड एंड दिस इज व्हाट योर एल्बो इज गोइंग टू बी। तो ये जो पॉइंट होता है, ये पॉइंट आपको क्या बताता है कि यस दैट इज लेस डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू वी आर हैविंग, सो ज्यादा डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू होना भी अच्छा नहीं है, एंड ऑल्सो इट डिफाइंस यू लेस क्लस्टर्स, सो ज्यादा क्लस्टर्स होना भी अच्छा नहीं है हमारे लिए क्योंकि ये कॉम्प्लिकेशन बढ़ा देते हैं आपके डेटा में बेवजह। तो हमें ऐसा पॉइंट ढूंढना है कि उसमें डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू भी कम हो एंड नंबर ऑफ क्लस्टर्स भी कम हो। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि ये 1 ले लो सर, तो 1 में क्या प्रॉब्लम है कि नंबर ऑफ क्लस्टर तो आपके कम है लेकिन डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू बहुत ज्यादा है। अगर आपने 7 लिया तो 7 में मैं बोल सकता हूं कि ये डब्ल्यू सी एस एस सबसे लेस है बट नंबर ऑफ क्लस्टर तो आपको ज्यादा है। तो इसमें ऑप्टिमम पॉइंट कैसे होता है, द एल्बो पॉइंट इज गोइंग टू बी ऑप्टिमम पॉइंट इन दिस केस, elbow point is going to be optimum point in this case.
तो ये एल्बो पॉइंट हम कैसे देखेंगे, ऑन एक्स एक्सिस वी विल जस्ट जस्ट डिस्प्ले नंबर ऑफ क्लस्टर्स एंड वाई एक्सिस पे मैं डिस्प्ले करूंगा डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू। ओके सो लेट्स गो नाउ एंड यहाँ पे मैं प्लॉट करता हूँ डब्ल्यू सी एस एस वैल्यूज अगेंस्ट क्लस्टर नंबर। तो इसके लिए मैं यूज करता हूँ लाइन प्लॉट, क्योंकि अभी लाइन प्लॉट के लिए पी एल टी डॉट प्लॉट यूज करते हैं। सो पी एल टी डॉट प्लॉट एक्स एक्सिस पे 1 से लेकर 10 तक, मतलब रेंज ऑफ 1 से लेकर 11 तक, मतलब 11 इज एक्सक्लूसिव। सो ये आपके एक्स एक्सिस पे प्रिंट होगा, ऑन वाई एक्सिस डायरेक्टली डब्ल्यू सी एस एस वैल्यूज प्रिंट होगा। तो यहाँ पे 1 के लिए ये प्रिंट होगा, 2 के लिए ये प्रिंट, 3 के लिए ये प्रिंट, लाइक वाइज। सो लेट मी जस्ट शो अप दिस टू यू। ठीक है, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एंड लेट्स फाइंड आउट द एल्बो पॉइंट, लेट्स फाइंड आउट द एल्बो पॉइंट। ठीक है, तो ये क्या करता हूँ, जो भी हमारे पॉइंट है ना उसको मैं मार्क करता हूँ। तो लेट मी यूज मार्कर फॉर दैट। सो मार्कर इज इक्वल टू, लेट मी यूज, यस सॉरी, सो दीज आर मार्कर्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मार्कर, ये डब्ल्यू सी एस एस 1 के लिए, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिस इज फॉर डब्ल्यू सी एस एस 1, दिस इज फॉर डब्ल्यू सी एस एस 2, दिस इज फॉर क्लस्टर नंबर 2, इतना डब्ल्यू सी एस एस, क्लस्टर नंबर 3 के लिए इतना डब्ल्यू सी एस एस, क्लस्टर नंबर 4 के लिए इतना डब्ल्यू सी एस एस, क्लस्टर नंबर 5 के लिए इतना डब्ल्यू सी एस एस, क्लस्टर नंबर 6 के लिए इतना डब्ल्यू सी एस एस। तो वी हैव टू फाइंड द पॉइंट ओवर हियर, एल्बो पॉइंट मतलब ऐसा पॉइंट कि उसके बाद में नंबर ऑफ क्लस्टर बढ़ाने का उतना ज्यादा मतलब नहीं रहता, क्योंकि डब्ल्यू सी एस एस में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं आता। सो दैट इज वॉट योर एल्बो पॉइंट इज गोइंग टू बी। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे एल्बो पॉइंट कौन सा है, फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स देर इज एल्बो पॉइंट, व्हाट यू थिंक? इन दिस डायग्राम फॉर विच वैल्यू ऑफ एक्स यू फाइंड देर इज एल्बो पॉइंट? So, यहाँ पे ऐसे हो सकता है कि दो पॉइंट के लिए आपको कंफ्यूजन हो जाए। सो यू कैन जस्ट फाइंड आउट, दिस इज गोइंग टू बी लाइक, एक थोड़ा सा आपको पॉइंट लग सकता है, ये एक पॉइंट लग सकता है। देखो यहाँ पे ये जो पहला पॉइंट है, लेट मी कॉल इट एज अ फर्स्ट पॉइंट एंड इट इज गोइंग टू बी अ टू पॉइंट। तो यहाँ पे आपको दो पॉइंट्स में कंफ्यूजन हो सकता है कि पहले पॉइंट को कंसिडर करे कि दूसरे पॉइंट को कंसिडर करे। सी, अगर मैंने पहले पॉइंट को कंसिडर किया तो देखो वो किस नंबर ऑफ क्लस्टर्स के लिए, 3 के लिए। सो इट इज यस, नंबर ऑफ क्लस्टर्स 3 भी अच्छा ऑप्शन है, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर मैंने 3 का 4 किया नंबर ऑफ क्लस्टर्स, तो उस केस में देर इज सम सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ डिक्रीज इन टू योर डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू। तो इतना डब्ल्यू सी एस एस में वैल्यू में चेंज आ रहा है अगर मैंने 3 का 4 किया, तो 4 का 5 किया तो यू कैन जस्ट सी फिर से उतना ही सिग्निफिकेंट चेंज आपके पास। सो दिस मच इज चेंज, लेकिन ये 5 है, तो 5 के बाद में अगर मैंने 6 किया तो यू कैन जस्ट ऑब्जर्व हियर, तो ये डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू है ना, इसमें देर इज नो मच डिफरेंस, सिर्फ इतना है। तो यस, 3 के बाद में वी आर हैविंग अ स्कोप टू डिक्रीज योर डब्ल्यू सी एस एस वैल्यू, तो ये काफी ज्यादा डिक्रीज है, तो इट्स ओके, तो वी कैन जस्ट गो विथ 4-5 आल्सो। लेकिन 6 इज नॉट गोइंग टू बी अ प्रॉपर ऑप्शन, बिकॉज 5 एंड 6 के बीच में जो डब्ल्यू सी एस एस का डिफरेंस है दैट इज नॉट मच। तो आई एम जस्ट गोइंग टू कंसिडर दिस एज, दैट मीन्स सॉरी, सो पॉइंट सेकेंड पॉइंट एज योर सेकेंड पॉइंट इज गोइंग टू बी your elbow point, this is going to be your elbow point in that case, क्योंकि इसके बाद में there is no significant decrease into WCSS and that is that elbow point we just got at number of clusters as equal to 5 and that is why this mathematically we can just consider that yes, number of clusters must be n clusters must be equal to 5 and clusters must be equal to 5. Okay, so agar isme kuch doubt hai to you can ask.
यस नहीं, ये हाँ नहीं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, यू कैन जस्ट डिसाइड द डेरिवेटिव फॉर दैट। ये सिर्फ मैंने विजुअली दिखा, बिकॉज कैसे है ना, ये आप विजुअली कर सकते हैं। मतलब बेसिकली कैसे होता है ना, कभी भी देखो आप कोई भी रियलिस्टिक प्रॉब्लम देखो कि नंबर ऑफ क्लस्टर इन जनरल 10 से ज्यादा होते ही नहीं है, ठीक है। एंड ये हमेशा जब भी आप कोई भी प्रॉब्लम ले लो, ये डायग्राम तो आप प्लॉट ही कर सकते हो। कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, आपके नंबर ऑफ क्लस्टर 10 से ज्यादा नहीं होगी। 10 से, फॉर एग्जाम्पल, 10 का 20 हुआ, यू कैन जस्ट प्लॉट दिस पर्टिकुलर प्लॉट ओवर देयर, एंड यू कैन जस्ट फाइंड आउट दैट पॉइंट मैन्युअली एज वेल। अगर आपको मैथमेटिकली फाइंड आउट करना है, तो आपको कौन सा पॉइंट फाइंड आउट करना है, विद द लेस डेरिवेटिव, मतलब जिसका चेंज इन वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कम हो, लेकिन उसके बाद वाले पॉइंट का भी कम होता है, लेकिन जो डेरिवेटिव, जो चेंज होने का जो रेट है, वो सबसे ज्यादा कम कहाँ पे होता है, इस पॉइंट पे। सो वी कैन जस्ट, अगर आपको ये ऑटोमेटेड ही करना है पूरा, तो वो भी हम कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज जस्ट द मैथमेटिकल पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। तो ये आप डेरिवेटिव के हिसाब से निकाल सकते हैं, एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट द डेरिवेटिव ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू दिस कर्व। कर्व नहीं है बेसिकली, लेकिन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमें क्या चेक करना है कि यहाँ पे, लेट मी जस्ट कैलकुलेट दैट फॉर यू, एग्जैक्टली क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। सो लेट मी जस्ट यूज दिस। हम क्या करेंगे, इस पॉइंट पे हम फाइंड आउट करेंगे व्हाट इज dy बाय dx, लेट्स से। सो बेसिकली यहाँ पे निकलेगा, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं dy बाय dx मतलब चेंज इन y, मतलब चेंज इन व्हाट वी कैन से, चेंज इन WCSS विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन क्लस्टर। सो चेंज इन क्लस्टर मतलब हमेशा आपका क्या रहेगा, वन रहेगा। सो क्योंकि वन वन से हमें इंक्रीमेंट, टू के बाद में थ्री जा रहे हैं, थ्री के बाद में फोर, फोर के बाद में फाइव, तो ये वन रहेगा। सो अल्टीमेटली इट इज चेंज इन WCSS। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने डब्ल्यू से, सर ऑब्वियसली ये वन तो कभी नहीं रहेगा क्लस्टर, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं WCSS का चेंज इतना है। सो अगर हमने यहाँ पे एग्जैक्टली देखा, ये 2 लाख है, 2,50,000 है, तो 2,50,000, ये 1,70,70 भी नहीं, ये 1,75,000, तो 25 यहाँ पे, 25 यहाँ पे, एंड ये, सो अराउंड 1 लाख का चेंज है ये, ठीक है। सो यहां से लेकर यहाँ पे, उसके बाद में इस पॉइंट पे हम चेंज देखेंगे कितना है। सो इस पॉइंट पे अगर चेंज देखोगे आप, तो इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी अराउंड, ये 50 है, ये 50, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1 लाख, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी 1 लाख। अभी यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ पे अगर मैंने चेंज देखा, तो दिस चेंज इज गोइंग टू बी, लेट्स कंसिडर इट इज अराउंड 50,000, 50,000। यहाँ पे अगर मैंने चेंज किया, चेंज देखा, तो इट इज जस्ट गोइंग टू बी 50,000 अगेन, क्योंकि ये दोनों का स्लोप सेम है। यहाँ पे अगर मैंने देखा, तो यू यू कैन जस्ट ऑब्जर्व दैट चेंज इज गोइंग टू बी लेस देन 10,000, मतलब आई थिंक ये जो चेंज है वो चेंज रहेगा 6 to 7,000, 6,000 लेट्स से। इसके बाद जब मैं इसका चेंज देखता हूं ना, तो देर इज नो सिग्निफिकेंट चेंज, तो ये 6K 6K या तो बहुत ही कम चेंज से हो रहा है। सो ये हमें हमें ये पॉइंट आइडेंटिफाई करना है कि जिस पॉइंट से आपका जो डिक्रीज इन WCSS ये बहुत ही निग्लिजिबल है, तो दैट पॉइंट वी आर गोइंग टू फाइंड आउट। सो दिस इज जस्ट द मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट वी कैन जस्ट यूज ओवर हियर। सो आपको ये ऑटोमेटेड करना है तो करो, लेकिन जनरली लेट मी टेल यू दैट ये इन जनरल लोग ऑटोमेटेड नहीं करते, ये जस्ट प्लॉटिंग इट आउट ही डिसाइड किया जाता है नंबर ऑफ क्लस्टर्स, क्योंकि ये विजुअलाइज होता है आराम से, लेकिन आपका जो डेटा है वो जनरली विजुअलाइज नहीं होता। यहाँ पे हमारा डेटा विजुअलाइज हुआ, द रीजन इज दैट हमने सिर्फ दो कॉलम्स यूज किए, लेकिन रियल लाइफ में वी कैन नॉट विजुअलाइज दैट डेटा, इसलिए वो तो हम समझ में नहीं आता मैन्युअली कि कितने क्लस्टर्स कंसिडर करो। लेकिन अगर हमने WCSS के अगेंस्ट अगर इसको प्लॉट किया, तो यू कैन जस्ट फाइंड आउट दिस एल्बो पॉइंट डायरेक्टली, एंड यू कैन डिसाइड इट मैन्युअली आल्सो। ओके, गॉट इट? या सो यस, दिस इज अबाउट के मीन्स इज, एंड दिस इज, आई मस्ट से दैट दिस इज योर
complete chemist, like just you can just go through this particular code. So starting just from plotting this data, just training your model for 5 number of clusters. तो ये normal आपका k-means करने से, मतलब normally k-means number of clusters हम manually देने से लेकर how to find out optimum number of clusters, ये सारी चीजें हमने इसमें discuss किए. So this is about basically k-means. So ये छोड़ के k-means में basically we don't consider